पानीपत ओल्ड एज होम की सच्चाई परत दर परत खुलती जा रही है। बुजुर्ग के साथ बदसलूकी के बाद और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बुजुर्गों ने बताया कि उन्हें ना तो समय पर खाना मिलता है, ना ही उनकी कोई देखभाल की जाती है। खाना बनाने वाले दोपहर तक आते हैं और शाम को बिना बताए खाना बनाकर चले जाते हैं। कई बार उन्हें बासी खाना खाने पर मजबूर होना पड़ता है। बस कभी बनाते हैं, कभी नहीं बनाते। आप बनाते हो? हम अपने खुद ही बना लेते हैं। नाश्ता कर लिया? नहीं करा। नाश्ते का टाइम क्या है? नाश्ते का यही है, 10:30 बजे का तो हो ही जाता, 9:30-10 बजे का होता है। कितने समय से आप रह रहे हैं यहाँ? हमारे को चौथा साल लग रहा है। 4 साल हो गए। खाना टाइम से मिल रहा है आपको? खाना बीच में छुट्टियाँ मार जाते हैं, कभी 10 बजे आते हैं, कभी 9 बजे आते हैं। बुजुर्गों ने रोते हुए अपनी मजबूरियाँ भी बताई, आश्रम वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। गुरुवार को जब लोग मीठा पानी पी रहे थे तो एक महिला को पानी तक नहीं दिया गया और उसे घसीट कर केयर टेकर और एक महिला ने आश्रम से बाहर निकाल दिया। आज भी दोपहर तक उन्हें खाना नसीब नहीं हुआ। बुजुर्ग जगन्नाथ का तो कहना था कि आज जब उन्हें दोपहर तक खाना नहीं मिला तो उन्हें मजबूरी में कल का बचा हुआ खाना खाकर अपनी भूख को शांत करना पड़ा। कोई आया नहीं बनाने वाला। अच्छा जी। हाँ, वही खाने का पेट तो मांगता थोड़ा बहुत, तो भूखा तो नहीं। रात की रोटी खाई आपने? हाँ, रात की बासी पड़ी थी ना, वो गर्म करके। सवाल सरकार सिस्टम और संचालन पर है, आखिर क्यों बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? पानीपत से प्रदीप, लिविंग इंडिया न्यूज।